कोई असहाय है, अगर कोई बुजुर्ग आदमी है वो तो बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे एक जवान लड़के जो कि अभी देश के, और हमेशा जब भी कोई सीन आता है तो जो यहाँ पर मंचन करते हैं उनका प्रोत्साहन करें, आप तालियां और से बजाए, उनका मनोबल बढ़ता है और अच्छे ढंग से हुए आगे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उनका तालियां चाहिए। तो आपके यही गुजारिश है आपसे, आप माता जी बेटा भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आपका महान नेत्र बेटा भरत, आप जैसी सुशील और धर्मात्मा मां मेरे प्रति ऐसा भरत कर रही है, मां मैं आपके चरणों की सगत खाकर कहता हूं माता कि मुझे इन बातों का कुछ भी पता नहीं था। माता जी क्या आपको विश्वास हो गया है मैंने ही भाई रामचंद्र जी को बनवास दिलाया है, मैं स्वयं राज्य पाने के लिए उस पुष्टा मांगो उकसाऊंगा, क्या आप सोचती है कि भरत की आत्मा कितनी हिट हो गई, अब वो ही मुझे अपनी गोद में स्थान दे, हे परमेश्वर मुझे अब मौत से चल जा, बाकी दोस्ता मेरे शत्रु बन गए, मगर तू ही मेरे साथ है पिताजी, पिताजी हाय पिताजी, अब मैं भी इन शत्रुओं के साथ नहीं रहना चाहता पिताजी, हाय पिताजी, क्या हो गया बेटा? बेटा मैंने बैठी बच्चों को जन कहकर तेरे कोमल हृदय को दिखाया है बेटा, मेरे भाव हो गए इसके आकर क्या सोचकर पर बैठ के हम लोग लगाया है बेटा,
बस माता जी अब मुझे क्षमा कीजिए, परंतु जीने की चाह भी छोड़ चुका है। जब मेरे पिताजी कह रहे भाई आप यहाँ नहीं है तो मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ माधेश्वरी, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ पिताजी भैया राम